नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद फैज़ नमस्ते, मैं अरुणिता कांजलाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। कंग्रेचुलेशंस, कुछ दिन पहले हम मिले थे फाइनलिस्ट और आज ट्रॉफी आपके हाथ में। अरुणिता, आपकी टीम से मोहम्मद फैज़ जीते हैं, किस तरह की फीलिंग है, क्या कुछ खुशी है शो को लेकर, विनिंग मोमेंट को लेकर? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि मेरा टीम जीत गया है, फैज़ जीत गया है आप सब लोगों के प्यार से। तो आप सब लोगों को सबसे पहले धन्यवाद और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मैं तो मतलब जब अनाउंसमेंट हुआ तब मैं कुछ और ही सोच रही थी, एकदम से इसका नाम ले लिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मैं और समा नहीं पा रही थी उस मोमेंट की खुशी को, तो शांत रहने की कोशिश कर रही थी, कोई बात नहीं, काम डाउन। तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। फैज़, आप क्या कहेंगे, वो विनिंग मोमेंट अनाउंसमेंट कैसा रहा पूरा? बहुत अच्छा रहा, अब यकीन हो गया मुझे। थैंक यू सो मच, आप सबने यकीन दिलाया मुझे और अब क्या ही बोलूँ मैं। थैंक यू सो मच, मेरी जो ऑडियंस है उन सब ने इतना प्यार दिया और ऐसे ही बस प्यार देते रहें और दुआएं देते रहें। इंडियन आइडल की ट्रॉफी से कहीं ना कहीं थोड़ा एक कदम दूर थी अरुणिता, लेकिन इस शो के जरिए एक कह सकते हैं उम्मीद थी ना, विनर जो आपकी टीम से आए, तो वो कैसा रहा? इंडियन आइडल का तो अलग ही था, मतलब ये तो इन लोगों का है, एकदम ही अलग है। ये मैं यहाँ पे एज अ कैप्टन हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत, मतलब जितना फैज़ का है उतना मेरा बिल्कुल नहीं है। मैंने कोशिश की है, जितना सीखा है मैंने उतना मैं उसको बोल पाऊँ, बस उसकी मेहनत है, उसने बहुत हार्डवर्क किया है और मैंने कोशिश की है कि मुझे जो रोल दिया गया है मैं उसको ठीक से उसको जस्टिस दूँ, उसको अच्छे से निभाऊँ। तो बस आशा करती हूँ कि वो अच्छे से हो गया है और फैज़ जीत गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, फैज़, आपके लिए किस तरह से रहा सफर अरुणिता दी के साथ, एज अ कैप्टन रहे वो आपके साथ रहे, उनकी टीम से रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीदी तो कभी ऐसे लगते ही नहीं थे कि कैप्टन है, दीदी तो ऐसे बस दीदी लगते थे, दीदी है। और हमेशा जैसे हम डुएट भी गाते थे तो दीदी सजेशन देते थे बहुत अच्छे अच्छे, तो हम वो अप्लाई करते थे गाने में, तो बहुत अच्छा लगता था। और इतनी कुछ चीज़ें सीखी मैंने दीदी से, सबसे पहले तो मैंने नेचर जो होता है करेक्ट वो सीखा दीदी से, और वही सबसे बड़ी सीख थी मेरे लिए। पूरी जर्नी को देखो तो अरुणिता काफ़ी सारी मतलब ग्रेट टैलेंट थी, बेस्ट बच्चे एवर थे, लेकिन आपकी टीम में से भी काफ़ी थे लोग, लेकिन उसमें से फैज़ का जीता, किस तरह से आपके लिए रहा ये पूरा, यू नो, क्योंकि और भी बच्चे थे फैज़ के साथ भी? जी, रोहन था, शायंतनी थी, वो दोनों भी बहुत अच्छा गाते थे और बहुत टैलेंटेड भी थे। बट तो ये एक शो है, इसमें रूल्स होते हैं कुछ, तो उसको फॉलो हम सबको करना होता है, तो विनर कोई एक ही होता है। तो एज अ कैप्टन मैं तो चाहती थी कि मेरा टीम जीते, मेरे टीम से जीते कोई, तो फैज़ जीता, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और बस खुशी है और क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा खुशी। ओके फैज़, आपके लिए कैसी रही पूरी जर्नी, क्योंकि काफ़ी सारे कंटेस्टेंट रहे, फिर गाना हुआ काफ़ी सारे, क्या कुछ मिस करोगे, किस तरह से इस जर्नी को आप लेते हो? इतने सारे सवाल। सबसे पहले तो सबको मिस करूँगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्यों मिस करूँगा, पहली बात तो मैं उनके साथ ही रहूँगा ना हमेशा। हमेशा हम लोग साथ में रहेंगे, हमेशा साथ में बातचीत करते रहेंगे, तो मिस नहीं करूँगा, उनके साथ ही रहूँगा। और जितना हो सके उनको भी यही बोलूँगा, मिस मत करना, साथ में ही रहेंगे। और इस शो में बाकी चीज़ें जो जैसे सबको याद करूँगा ही, और शो की जर्नी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिला सभी को, कंटेस्टेंट से, कैप्टन से, जजेस से, आदि भैया से, नीरज सर से, मंगल सर से, जयदीप सर से, और हर इंसान से यहाँ पर सीखने को मिला मुझे, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था, तो इतना कुछ सीखने को मिला, अब कैसे भूलूंगा मैं ये सब, तो मुझे भूलना भी नहीं है, याद रखना है हमेशा और याद रखूंगा मैं। जहाँ तक आप दोनों का भी एज ए कैप्टन शिष्य गुरु सफर है, तो एक दूसरे को लेकर कुछ चीज़, अगर कोई अच्छी बात बताना चाहे जो आपको अच्छी लगती है, लाइक अबाउट फैज़ एंड अबाउट अरुण। फैज़ बहुत सिंसियर है और बहुत फोकस्ड है, जब भी कुछ कहा है तो वो अच्छे से सुना है और उसको अप्लाई किया है, बहुत हार्ड वर्किंग है बस। और अभी तो और अरुणिता दी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात जो आपको अच्छी लगती?
पूरी बात अच्छी लगती है मुझे, सारी बात अच्छी लगती थी। कोई स्पेशल अगर कुछ शेयर करना चाहिए। अब एक चीज कैसे बताऊं मैं, दीदी बुरा मान जाएंगी। मजाक कर रहा हूँ, सभी चीज़ें अच्छी है, मतलब सबसे अच्छा नेचर है। जैसे मैंने पहले बोला कि नेचर, मैंने बहुत इनसे सीखा कि ऐसा नेचर होना चाहिए, बहुत प्यारा नेचर है दीदी का। और सब और सेकेंडरी बहुत अच्छी आवाज़ है दीदी की। अच्छा, आपके डुएट परफॉर्मेंसेस को ऑडियंस ने काफी पसंद किया शो में, तो आगे जाकर ऐसा कुछ एल्बम म्यूजिक वीडियो साथ में कुछ मिलेगा कुछ ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए? बिल्कुल करेंगे कुछ, अभी तो आगे जाके और भी वो सीखने वाला है, अभी वो स्कूल करने वाला है और पढ़ाई भी करने वाला है फैज़, मैं भी कर रही हूँ, तो अभी और भी आगे प्रोजेक्ट्स हैं जो साथ में हम लोग करने वाले, ये लिखता भी है कंपोज भी करता है, तो बिल्कुल कुछ। और फैज़ आप जब एक काफ़ी लोगों ने कहा कि प्लेबैक सिंगर की ऑलमोस्ट वॉइस है, कि महेश जी का जो उन्होंने प्रोजेक्ट भी आपको दिया था शो में रहते रहते आपने किया था, तो आप कोई ऐसे किसी एक्टर के लिए अगर आप गाना चाहो कुछ आपकी ख्वाहिश हो? मैं तो बस, मुझे बस कोई भी गाना मिले मैं गा लूँगा, वो किसी भी एक्टर पे लगा दिया जाए मुझे अच्छा ही लगेगा, गाना गाने की खुशी ज़्यादा है। वेल अरुणिता, आपको और पवनदीप का जो गाना हाल में रिलीज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा प्यार ऑडियंस से हमेशा के लिए दिया, सबसे ज़्यादा मुझसे मिला, सबसे ज़्यादा मुझसे मिला है। क्या कुछ पवनदीप और अरुणिता के फैंस को कहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा प्यार उस म्यूजिक वीडियो को? जी ये कहना चाहूँगी कि हमेशा आपने लोग, आप सब लोगों ने प्यार किया है, दिया है और बहुत सारा सपोर्ट किया है साथ में, बहुत मतलब मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग साथ में हमारे रहे और बहुत सारा प्यार दें, और हम कोशिश करेंगे कि आप सबको हम लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छा अच्छा गाना दे पाए और आप सबको खुशी दे पाए। ओके फैज, अभी इसके बाद क्या कुछ चीज़ें सोची है म्यूज़िक को लेकर, किस तरह से एज अ करियर रखना है आपको, क्या कुछ चीज़ें करेंगे कनेक्टेड रहूँगा अपने ऑडियंस से, अपने सभी फैजियन से और जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं उन सब से कनेक्टेड रहूँगा, उनके लिए सारी फरमाइश उनकी पूरी करूँगा, जो भी गाना सुनना चाहेंगे हमेशा उनको सुनाऊँगा और अपनी तरफ से भी काफ़ी सारे गाने लाऊँगा।